और खबरें फटाफट अंदाज में 18 मिनट में हिंदुस्तान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। पहले राष्ट्रपति IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कनकल स्थित पारदेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे और जूनापीठ स्वामी अवधेशानंद से मुलाकात करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इंद्रजीत महांती को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कल उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। इंद्रजीत महांती राज्य के 37वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस महांती मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट की जगह लेंगे। आरसी केरल में आज सीपी जोशी और रामेश्वर डूडी गुट के बीच सीधी टक्कर है। दोनों गुटों ने अपने अपने अतिरिक्त प्रत्याशियों के नाम गुरुवार को वापस ले लिए। आरसी में अतिरिक्त प्रत्याशियों के नामांकन वापसी के बाद सीपी जोशी ग्रुप की ओर से अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत मैदान में है। वहीं डूडी गुट से राम प्रकाश चौधरी वैभव गहलोत को सीधी टक्कर देंगे। आज आरसी अकेडमी पवेलियन में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके बाद मतगणना और परिणाम भी जारी होंगे। 6 पदों के लिए कुल 13 उम्मीदवारों के भाग का फैसला 32 मतदाता करेंगे। अशोक गहलोत गुरुवार को EHCC अस्पताल पहुंचे, जहां गहलोत ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कल अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों से आए लोगों ने अपनी परेशानी बताई, जिस पर पायलट ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। झुंझुनू में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री BK सिंह ने धारा 370 को लेकर न्यूज 18 पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से कश्मीर का विकास होगा और कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा। जोधपुर में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बापू की विचारधारा को लेकर BJP पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने BJP से सवाल किया है कि क्या वो नाथुराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं या नहीं, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। गांधी जयंती सप्ताह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौर ने पदयात्रा की। इस दौरान राठौर ने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। जयपुर में कल पोलो खेल के दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना घायल हो गए। खेल के दौरान पोलो गेंद मुंह पर लगने से चांदना के नाक से खून बहने लगा, जिनका SMS अस्पताल में इलाज कराया जाए। टोंक जिले के देवरी अनियारा विधानसभा क्षेत्र में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने गांधी संकल्प यात्रा निकाली और लोगों को प्लास्टिक का उपयोग बंद करने को लेकर जागरूक किया। झालावाड़ में मिड डे मील के नाम पर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें कच्ची और जली रोटियां परोसी जा रही है, साथ ही बच्चों को पानी मिला दूध पिलाया जाता है। वहीं प्रिंसिपल मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल मुक्त अभियान के तहत दौसा नगर परिषद की टीम ने शहर में जगह जगह छापे मारकर पॉलीथीन जब्त की। उदयपुर के अमरपुरा खालसा ग्राम पंचायत में उप सरपंच ने सरपंच और सरपंच पति पर सरकारी योजनाओं का पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। साथ ही कलेक्टर SP और जिला परिषद CEO को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। अजमेर के पुष्कर में करीब 1 महीने बाद शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली के आस्था धाम PHC कैला देवी का CMHO के आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए। धौलपुर में मदरसा छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ में लंबे समय से चल रही मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी हो गई है, जिसके बाद सौगात को अमलीजामा पहनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। बीकानेर नगर निगम की ओर से गंगा शहर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कपड़े के थैलों का वितरण किया गया और लोगों को सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए भी जागरूक किया। टोंक में नगर परिषद द्वारा चतुर्भुज तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर सीमांकन के लिए नगर परिषद ने प्रशासन पत्र लिखा लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गांधी दर्शन और महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने बेटी को एक समान रखने की बात कही। कोटा में SI सत्यनारायण की को कड़ी सुरक्षा के बीच SCB कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने SI को जेल भेजने का आदेश दिया। SCB ने 4000 की रिश्वत लेते SI को गिरफ्तार किया था।
चुरू में चाकू की नोक पर स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले सामने आए हैं और पीड़िता ने आरोपी शंकर लाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर में एक महिला को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी ब्लैकमेल करता था। पीड़ित ने महामंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिला मुख्यालय पर एक 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बच्ची को उसका मुंह बोला मामा अपहरण कर के साथ ले गया। सूचना के बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी। भिलवाड़ा सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस पूछताछ में चोरी की और भी वारदातें खुलने की संभावना जताई। अजमेर की अनासागर झील के चौपाटी के पास बने नाले में 2.5 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद लोगों ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर के चकमहुड़ी गांव में एक युवक का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। अलवर के मौचाड़ी गांव के नाले में अज्ञात युवक का छत बिछत हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बाड़मेर में लापता विक्षिप्त युवक का नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। 6 दिन पहले लापता हुए युवक की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद युवक का नाले में शव मिला। उदयपुर में कातनवाड़ा गांव में गरबा देख रहे बच्चों पर मलबा गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जैसलमेर के ब्रह्मासर गांव के पास बरसाती नाले में एक कार बह गई, जिसमें सवार 8 लोगों में से 6 को बचाया। वहीं 1 की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि प्रशासन 1 लापता व्यक्ति को तलाशने में जुटा है। चित्तौड़गढ़ के सिलपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार पलटने से 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड पर एक ट्रेल बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। करौली के ग्राम पंचायत बोडा प्राथमिक स्कूल परिसर में आवारा पशु और समाज कंटकों के जमावड़ा लगा रहता है, इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बूंदी के खेराड़ में एक परिवार द्वारा मृत्यु भोज शुरू करने के विरोध में बलाई समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आज होने वाले मृत्यु भोज पर रोक लगाने की मांग की। करौली के सायपुर में निर्माण कार्य में धांधली को लेकर आरटीआई दाखिल करने से नाराज सरपंच द्वारा शिकायतकर्ता के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया और मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बूंदी में 10वीं के लापता छात्र मामले में सदर थाना पुलिस ने 3-4 दिन बाद भी उसके हाथ खाली हैं। इस पर परिजनों ने आक्रोश जताया और पुलिस पर अभी तक कॉल डिटेल नहीं निकलवा पाने का आरोप लगाया। चुरू में कथित आईटीआई छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में घोटाले को लेकर अंबेडकर स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया और घोटाले के एसआईटी से जांच कराने की मांग की। शादी नवरात्र का 6ठा दिन है आज। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। देवी के मंदिरों में भक्तों का भीड़ लगी। मां अंबे मंदिर के स्थापना दिवस पर अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहा पर 5000 दीपक जलाए गए। इस दौरान मां अंबे की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। टोंक में 10 दिवसीय रामलीला का मंचन हो रहा है। इस दौरान रामलीला महोत्सव समिति और नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भव्य राम बारात का आयोजन किया। भीलवाड़ा के जूनावास में नवरात्रि में 9 दिनों तक कन्याओं का भोजन करवाया जाता है। इस अनूठी पहल के तहत रोजाना करीब 1100 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया जा रहा है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के रैंप पर खादी का जलवा दिखाई दिया। इस दौरान खादी के नए नए कलेक्शंस को मॉडल्स ने पेश किया। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। करौली में 17 से 19 वर्ष छात्र छात्राओं की 64वीं एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन होगा। इसमें विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है।